राजधानी रायपुर में इन दिनों बीजेपी के कुछ नेता बौखलाए हुए हैं। अब मीडिया कर्मी से भी बदसलूकी में उतर आए हैं, पत्रकारों से धक्का मुक्की करने में आतुर हो गए हैं, रौब दिखाते हुए धमकाने का काम कर रहे हैं, मीडिया कर्मी को अपनी पहुंच बताकर गुंडागर्दी कर रहे हैं। ये माजरा कहीं और का नहीं बल्कि महापौर के चैम्बर का है, जहां बीजेपी पार्षद ने बदसलूकी की। पार्षद की बदतमीजी का वीडियो कैमरे में कैद हो गया है। दरअसल महापौर एजाज डेबर की बाइक लेने मीडिया कर्मी पहुंचे थे। इस दौरान पत्रकारों ने बीजेपी पार्षद से गुजारिश की, थोड़ा आप कुर्सी को हटा लेंगे क्या, ताकि महापौर का बाइट लिया जा सके। इतने में निगम में उपनेता प्रतिपक्ष और बीजेपी पार्षद मनोज मर्मा तैश में आकर आग बबूला हो गए। इतना ही नहीं बदसलूकी करने लगे, साथ ही कहा कि महापौर की बाइट लेनी है तो बाहर रहना चाहिए, बाहर से लीजिए, पहले हमारा अधिकार है। इस तरह कहकर बीजेपी पार्षद ने जमकर बदतमीजी की। पूरी घटना का वीडियो कैमरे में रिकॉर्ड हो गया है। वीडियो में देखा जा सकता है मनोज वर्मा तैश में आकर किस तरह से महापौर के चैम्बर में पत्रकारों को धमका रहे हैं। वीडियो में देखकर लग रहा है अगर सरकारी दफ्तर नहीं होता तो पत्रकारों के साथ मारपीट भी कर देते, क्योंकि उनका गुस्सा वीडियो में देखने से लग रहा है लोग उनको शांत करा रहे हैं। लेकिन उपनेता प्रतिपक्ष मनोज वर्मा पता नहीं किस गुरूर में है जो अपनी कुर्सी की हनक दिखा रहे हैं। पत्रकारों से बदतमीजी मामले में निगम नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे ने हैरान करने वाला जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि मैं इस मामले में कुछ नहीं बोलना चाहूंगी, जबकि उनके आँख के सामने यह घटना हुआ। लेकिन कहीं न कहीं नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे अपने पार्षद के पक्ष में दिख रही हैं। मीडिया कर्मी के सवालों से वो भक्ति नजर आई हैं। महापौर ने खेद जताया है, अनुशासनहीनता बताया है इसको, क्या आप क्या कहेंगे आपके सामने आपके साथ? देखिए, समझने में थोड़ी गलती हुई होगी। मीडिया हमारा प्रजातंत्र में हमारी मीडिया को पूरी स्वतंत्रता है बहुत सारी चीज़ों की, पर थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप हुआ है और समझने में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, इसलिए ऐसी नौबत आई है और ऐसा होना नहीं चाहिए। पार्टी का पार्षद है, क्या कोई आप एक्शन लेंगे इसको लेकर? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी पार्टी के पार्षद समझ नहीं पाए होंगे कि आप क्या कह रहे हैं, और ऐसी कोई बड़ी भूल चूक उनसे नहीं हुई। अगर वो अपने पार्षद का सम्मान चाहते, अगर उन्हें ऐसा लगा कि किसी के द्वारा उनके पार्षदों की बेइज्जती की जा रही है, तो वो नगर निगम में हमारे पार्षद दल के उपनेता हैं, तो उनको ऐसा लगा होगा कि उनके पार्षदों का सम्मान होना चाहिए। मैं महापौर से फेस टू फेस थी, मेरा ध्यान बिल्कुल नहीं इस विषय पर। वहीं महापौर एजाज ढेबर ने कहा कि पार्षद को बताने की जरूरत नहीं है कि मेरे कक्ष में कौन आएगा कौन जाएगा, बिल्कुल अनुशासनहीनता की गई है। मैं खेद प्रकट करता हूं, जनप्रतिनिधि को इस तरह का व्यवहार शोभा नहीं देता, माफी मांगनी चाहिए। उनकी बदतमीजी से मैं खुद हैरान हूं कि पार्षद ऐसा कर कैसे सकते हैं। देखिए, एक तो मीडिया का अपना एक सम्मान है, और दूसरी चीज महापौर के कक्ष में अभी से नहीं, बहुत पहले से परंपरा है कि मीडिया वाले यहीं पर आके बाइट लेते हैं, और जो भी हमारी गतिविधियां होती है डेली उसकी बैठ के यहीं पर उनको ब्रीफिंग की जाती है। और इसके पहले भी कई बार यहीं बाजू में भी बैठ के 1-2-1 वाले बैठ के जस्ट हमारे बाजू में भी बैठ के में जो मीडिया वाले हैं वो ब्रीफिंग लेते हैं, और हम डेली का डेली यहाँ पर देते हैं। और दूसरी चीज़ ये, इस तरीके की अनुशासनहीनता शायद वो ठीक नहीं है, और मेरे ख्याल से ये अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है,
क्योंकि ये मैं सामने में बैठ के इसको देख रहा था, अनुशासनहीनता टाइप से हो रहा था, और मेरे ख्याल से मेरे कक्ष में कम से कम इस तरीके की जो हरकत है वो शायद ठीक नहीं है मेरे जो कक्ष में हुआ। मैं तो खुद ही आप लोग से इसको लेकर खेद प्रकट करता हूँ, और जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ, बल्कि मैं महापौर होके, क्योंकि ये कक्ष मेरा है, यहाँ की जवाबदारी मेरी है, मैं इसको लेकर खेद प्रकट करता हूँ, और आइंदा से इस चीज़ ऐसी ना हो उसका ख्याल रखा जाएगा। जो घटना यहाँ पर अभी हुई वो घटना बहुत ही, एक तो बहुत जल्दी एक घटना मतलब वो पकड़ ली, समझ में भी नहीं आया कि कैसा हुआ, मगर जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ। मुझे बहुत अंदर से बहुत ठेस पहुँचा, क्योंकि मैं यहाँ पर जितने मीडिया वाले आते हैं, जितने मैं सबका सम्मान करता हूँ, चाहे वो छोटा सा भी मीडिया वाला क्यों ना हो, छोटा सा भी एक जिसका मतलब खाली एक छोटा सा चैनल वाला भी क्यों ना हो, मैं सबका सम्मान करता हूँ, चाहे छोटा सा छोटा हो चाहे बड़ा सा बड़ा हो। मेरी इस ऑफिस में, मेरे इस चैम्बर में उन सब का स्वागत है, और मैं सबको एक दृष्टि से देख के सबसे मैं बात करता हूँ, मगर जो घटना हुई वो ठीक नहीं हुई। मैंने पहले ही कहा ना कि मैं खुद एकदम क्षुब्ध हूँ ये घटना से, मैं खुद ही आश्चर्यजनक हूँ, मतलब मुझे खुद को आश्चर्य हो रहा है। मैं खुद, क्योंकि दो मिनट के लिए मैं खुद शॉर्ट हो गया था, क्योंकि मेरे सामने आज तक के यहाँ पर पिछले डेढ़ साल में अभी तक की ऐसी कोई घटना नहीं हुई जो घटना अभी घटी, इसलिए मैंने खुद ही सामने में आके, उनसे तो पता नहीं वो लोग खेत प्रकट करेंगे नहीं वो लोग, मगर मुझे बहुत वो लगा, मुझे अंदर से बहुत धक्का लगा, इसलिए मैंने इस बात का खेद प्रकट किया, क्योंकि ये जो घटना घटी वो मेरे चैम्बर में घटी, और क्योंकि वो मेरे से बात करने आए थे, और मैंने पहले उनके सामने भी कहा कि इनकी कोई गलती नहीं, इनको वो दिख नहीं रहा था, वो कैमरा से विजुअल जो इनको आना चाहिए, इसलिए उनको उन्होंने साइट करवाया, और साइट करा के विजुअल में वो पूरा लेना चाहते थे, इसलिए उनको उन्होंने कहा कि आप थोड़ा सा साइट बैठ जाओ भैया, तो उस वजह से जो हुई वो तनातनी हुई, जो कि मैंने पहले कहा कि वो अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है।